हाय, ऐसी वीडियो शायद आपको इंटरनेट पर नहीं मिलने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन ना ऑपरेटर्स के गेम के बारे में बात करेंगे। ओके, मतलब कि स्टॉक्स को जब वो एंट्री मारते हैं तो स्टॉक ब्लास्ट हो जाते हैं। अब आती बात कि ऑपरेटर किसे बोलते हैं, ओके, और FYDI किसे बोलते हैं, ये क्या लॉजिक है? ये एक टॉपिक ऐसा है ना कि बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को एक्चुअली यही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट कोर्स सीरीज जो चल रही है आपकी, इसका सीरीज 2 चल रहा है और एपिसोड 8 चल रहा है। इसका मतलब क्या कि आज के बाद में आपको कभी किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं, आप खुद के दम पे सीख पाओगे, ना ही किसी का कोर्स लेने की जरूरत है। तो अब आप आगे देखिए, ये क्या लिखा है FII, ये पॉइंट है ना बड़े जबरदस्त है। इससे इन टॉपिक्स पर कोई बात ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी बार बार चेंज होती है। बट मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो शायद ही चेंज होगी। ओके, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को। ओके, हाँ, तो देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये कौन होते हैं? FII का मतलब ऐसा समझो, फॉरेन के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे ना, वो इंडिया के अंदर पैसा डालेंगे। ओके, NSDL और CDSL के थ्रू अकाउंट खुलता है, सेबी वगैरह के अप्रूवल लगते हैं इसके अंदर। और FPI ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके, ये एक तरह के मैनेजर्स होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने कभी इंडिया में म्यूचुअल फंड देखा, जैसे एक्सिस बैंक का होता है, ICICI का होता है, ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर ही फंड रेज कर और इंडिया में ही लगा दिया। ओके, तो ये क्या हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन अगर US के अंदर या बाहर की जो कंट्रीज है इंडिया से बाहर, अगर वो लोग ऐसे पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं फिर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो FPI और FII की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोचो कि इतना बड़ा पैसा, मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया का जो अपना एक्सिस बैंक का ब्लू चिप है ना, उसका मार्केट कैप देखना एक बार, सिर्फ उसका 30,000 करोड़ से प्लस जा रही है इन चीजें। सोचो इतना सारा पैसा है इनके पास में पब्लिक का, पब्लिक से पैसा लेते हैं और क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत परसेंटेज रख लेते हैं। ओके, फिर भी गारंटी नहीं देते कि भाई साहब ना 100% रिटर्न। तो अब आप समझे, FII, FPI, DII एक्चुअली आपको पता है कि ना ये ही किंग है स्टॉक मार्केट के, इनके पास इतना वॉल्यूम है। आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट का दिल्ली का वॉल्यूम कितना है? चलो कमेंट करके दिखाओ, लेट्स सी किसको कितना नॉलेज है। ओके, तो हाँ, अब आप क्या बोल रहा हूं कि इन लोगों के पास इतना पैसा था कि उठा पटक करते हैं, उठा पटक मार्केट में, कभी बाय करा, कभी सेल किया, कभी क्या किया, तो उससे बैंक निफ्टी निफ्टी के मूवमेंट्स आते हैं। ओके, तो ये जो सेक्टर्स वगैरह है ना, इन सब के बारे में अपन डीपली रिसर्च करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। पहले इसके बारे में समझ लीजिए, लाइन टू लाइन बढ़ रहे ना अपन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ अभी तक जितने एपिसोड बनाए कि आपको समझ में आ रहा है लाइन टू लाइन। ओके, ये सीरीज कौन सी है, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज 2। पहली सीरीज कौन सी थी, फंडामेंटल एनालिसिस, किसके ऊपर, FIDI, इन्हीं के ऊपर, ये लोग कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो वीडियो तो मैं कह रहा हूं ढूंढोगे ना दिया बाती लेके तो भी ना मिलने वाली। ओके, तो अब क्या लिखा यहाँ पे, फैक्ट क्या लिखा, 100 बात की एक बात है, इनको ही इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनली इनके पास पैसा बहुत है ना, ये एक बड़ा ग्रुप है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूशनल वर्सेस ऑपरेटर, मतलब ये तो FIDI हो गए ऑपरेटर। देखो एक बात समझना, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फैक्ट क्या लिखा नीचे, ट्रैप कौन करता है, समझिएगा। देखो इंस्टीट्यूशनल भी आपको ट्रैप करेगा और ऑपरेटर भी आपको ट्रैप करेगा, ऐसा क्यों, जब तक वो लोग अपना पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, उनको भी तो अपने बीवी बच्चे पालने हैं ना इंस्टीट्यूशनल को, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। स्टॉक मार्केट में यही है फंडा भाई, एक बंदा लॉस करेगा एक प्रॉफिट करेगा, सिंपल है। ओके, और अगर कोई बंदा सेल ही नहीं करेगा स्टॉक को तो स्टॉक डेली अपर सर्किट ही मारेगा। ओके, तो अब क्या होता है कि ब्रेकआउट के ऊपर क्या होता है ना गाइस, है ना, लोगों को ट्रैप कर दिया जाता है, ब्रेकडाउन के अंदर ट्रैप कर दिया जाता है, ये कौन करते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स करते हैं। लेकिन अब आपको बचना भी तो है ना इनसे, आई एम राइट और रॉन्ग, आपको ऑप्शंस के अंदर पैसा कमाना है ना। बहुत लोग बोलते हैं आदित्य सर आपके टेलीग्राम ग्रुप में आप ना बहुत लिमिटेड स्टडीज देते हो, अब मैं क्या करूं, मैं डेली इंट्राडे नहीं दे सकता, ऐसा क्यों? ओके, ये इंस्टीट्यूशनल क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं, क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं, आप लोग बताइए, क्या 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, जब इनके पास में 1,000 करोड़ रुपए पड़े, क्या इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे काम करेंगे क्या? ये आप लोग गलती करते हो, कम से कम 1 दिन के टाइम फ्रेम देखो, कम से कम, उसके नीचे की जो टाइम फ्रेम है वो स्कैल्पिंग वाली है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बात जो बोल रहा हूं ना दिमाग में घुसा लो, इंस्टीट्यूशनल के पास में अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो 5-15 मिनट पर नहीं करेगा वो, तो आप लोग क्या करते हैं 5-15 मिनट का ब्रेकआउट देगा, एंट्री मार ली, पता चला कि बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर कहीं पर दूसरी रेसिस्टेंस आ गया तो क्या कर लोगे, वो रेसिस्टेंस सेलिंग आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम पर ही काम करते हैं। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आई, मैं बहुत दिल से बता रहा हूं ये बात बड़ी गोल्डन है, ये समझने वाले ही समझ सकते हैं।
तो अब समझे, अब समझो ट्रैप कौन करता है। अरे यार इंस्टीट्यूशनल आपको ट्रैप नहीं करेगा तो उनका पेट कैसे चलेगा? जो एनालिसिस कॉमन हो चुकी है क्या वो एनालिसिस काम करेगी? नहीं करेगी। पब्लिक को पता है ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री मारनी है, इंस्टीट्यूशनल बोलेगा हाँ भाई आगे लोन पकड़ लो उनको, ट्रैप में आ जाओगे। सिंपल। ऑपरेटर कहां पे ट्रैप करते हैं? बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ऑपरेटर छोटे स्टॉक्स के अंदर करते हैं, बड़े स्टॉक्स को हिला नहीं पाते, क्योंकि रिलायंस को कैसे ट्रैप करेंगे, ओएनजीसी को कैसे करेंगे, कोल इंडिया को कैसे करेंगे, भाई पैसा चाहिए ना। बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे ये बैंक निफ्टी ने तो ट्रैप कर दिया। अरे यार तुम्हारा 500,000 10-15,000 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को ट्रैप करने के लिए FYDI 1,000 करोड़ डालेगा क्या? लोग नहीं बोलते अरे आज तो बैंक निफ्टी ने ट्रैप कर दिया। वो आपको ट्रैप नहीं कर रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। अरे आप भी ऑपरेटर बनो ना, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, आप भी उनकी तरह एनालिसिस फॉलो करो ना। ये वीडियो बड़ी जबरदस्त है। ओके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है प्लीज गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखना पड़ेगा आपको। देखो क्या लिखा है, मेनी स्कैमर्स यूजिंग अवर नेम, हमारा नाम यूज कर रहे हैं, कोई कॉल करके बोल रहा है, कोई SMS कर रहा है, कोई टेलीग्राम ग्रुप बना रहा है हमारे नाम पर। प्लीज किसी और का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करें, मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, वो कहां है? पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कहीं से भी मत करना, क्योंकि हमारे नाम पर टेलीग्राम बना के लोग फेक मेंबर ऐड करते हैं और आप लोगों को लगता है वो असली ग्रुप है। प्लीज ऐसा नहीं करें। ओके और मैं ऑलरेडी उनके ऊपर एक्शन ले चुका हूं, आप लोगों को पता होगा मैं राजस्थान पुलिस अकेडमी में काम करता हूं। तो प्लीज गाइस आप लोग सोच समझ के करें। ओके मैं आप लोगों को स्कैम होने से बचाता हूं, अब लोग मेरे नाम को यूज कर रहे तो फिर गलत है ना। तो प्लीज गाइस आप लोगों को सोच समझ के आगे बढ़ना है। मेरा देखो यहाँ पे वेबसाइट लिखी है www.mentoraditya.com और टोल फ्री नंबर है 1-800-202-8034। देखो सब प्रॉपर लाइसेंस है मेरे पास में, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अब लर्निंग को समझो, स्टॉक को मूवमेंट कौन लाता है भाई, स्टॉक मूवमेंट के सीक्रेट क्या है? देखो इंस्टीट्यूशनल जो है ना वो डील्स करते हैं, कोल इंडिया हो गया, आपने देखा ना कभी रिलायंस का रिलेशनशिप इन्वेस्टर्स वगैरह होता है, या आप कोल इंडिया सर्च करना, कोल इंडिया रिलेशनशिप इन्वेस्टर्स ऐसे लिखा आता है। तो आप देखो ये क्यों है, वहां पे ईमेल आईडीज होती है, आप वहां पे ना मेल ड्रॉप करो, बोलो भाई मेरे को 1 करोड़ की क्वांटिटी बाई करनी है, 50 करोड़ की बाई करनी है, 1 करोड़ की तो मत लिखना, इंटरनेट पे चलते मार्केट में मिल जाएगी, लिख देना 100 करोड़ की क्वांटिटी बाई करनी है, 200 करोड़ का डील एग्जीक्यूट करना है, रेट बताओ भाई। बोलेगा कोल इंडिया बोलेगा अरे 100 रुपये रेट चल रहा है सर ले लो, नहीं भाई 80 भी लूंगा, मेरी इच्छा मेरा पैसा है, लगाना लगा दूसरा NMDC में लगाऊंगा। ऐसे रियल में होता है, तो मेल ट्रेल में ऐसे काम चलता है। ओके इससे पहले ही आपको स्टॉक की ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ध्यान है ना, सीरीज 1 आई थी मेरी फंडामेंटल एनालिसिस, उसको देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। ओके लोगों को पता नहीं कहां लोगों को लाखों रुपए दे रहे हो यार। ओके तो इंस्टीट्यूशनल डील्स हो गई, तो इस तरह से डील्स होती है, इसके बारे में अपन और गहराई से बाद में बात करेंगे। ऑपरेटर गेम होता है, एक ऑपरेटर तो देखो कभी भी गेम खेल सकता है आप लोगों के साथ में। ओके वो क्या 1,000-2,000 करोड़ लगा देगा स्टॉक के अंदर, 2,000 बार अपर सर्किट मारेगा, आप लोग सोचो अरे भागा भागा, कोई स्टॉक भाग जाए ना, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती एक है, भाग गया स्टॉक 10-15% भाग गया, अरे पैसा लगाओ, अरे यार जिसको लगाना था वो लगा चुका, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? ये सबसे बड़ी गलती करता है रिटेलर, फिर बोलता है मेरा ऑप्शंस में लॉस हो गया, फिर मेरे इसमें लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको नहीं बोलते प्राइस एक्शन कि स्टॉक भाग रहा है तो उसके अंदर घुस जाओ, इसलिए लोग लॉस करते हैं। आगे देखिए और भी बहुत बातें बताऊंगा मैं आपको। ओके ये जो नॉलेज बता रहा हूं ना डेमो है, डेमो। ओके अभी बताऊंगा, प्रूफ दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के हिसाब से बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए आप, है ना, वीडियो को बना रहना। कंपनी की बिजनेस डीलिंग होती है, कंपनी टू कंपनी इंटरनली बिजनेस डीलिंग हो जाती है, जैसे आज मेरा नाम NMDC है, सामने शिवम भाई बैठे, इनका नाम कोल इंडिया है। अरे कोल इंडिया जी थोड़ा यार हमारे को थोड़ा स्टेक कर लो यार, 10% में डील इक्विटी कर लेते फाइनल। ओके तो हाँ ये अब आती गवर्नमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट हो गई या फॉरेन की कोई भी गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। मोस्ट ऑफ द एक्टिव जो है ना वो कौन है, इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है और क्या करती है, और फॉरेन की गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट, ये दोनों आपस में बड़ी डील्स करती है। आप मोस्टली देखोगे कि सिंगापुर गवर्नमेंट के स्टैक पड़े हैं इंडिया के अंदर, पैसा लगा रही है, बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट उठा रही है ना। ओके टेक्निकल एनालिसिस प्रो रिटेल, वो कौन है, ट्रेंड लाइन मार्क किया, ट्रायंगल फ्राइंगल पता नहीं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उनको अलग ही लेवल की दुनिया में चल रहे हैं, ये प्रो ट्रेडर टाइप के हैं। ओके अपन तो एडवांस के अंदर आते हैं। ओके हाँ अब आगे देखिएगा आप, अच्छा एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूं, ऐसा बंदा किस काम का जो हिस्ट्री से सिखाया है, समझना मेरी बात को, ऐसा बंदा किस काम का, ऐसा टीचर किस काम का जो हिस्ट्री से बताया, देखो ट्रेंड लाइन टूट गया ऊपर चले गया, मैं ये कहता हूं आने वाले दिनों में इतना बड़ा मूव आएगा ये बताए ना वो असली मेंटोर हो सकता है। देखो मैं मेरा व्यू दे रहा हूं, मैं इतना
मैं किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मुझे गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया है। मैंने गवर्नमेंट के साथ में काम किया, इंस्टीट्यूशनल डील्स के अंदर काम किया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी है, आप लोग देख सकते हो। मुझे काफ़ी सारे अवार्ड मिले, अच्छे काम करने से मिले, भगवान करे मुझे और भी मिले, आप लोग भी प्रे करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको और भी डिस्कस करूंगा, लाइन टू लाइन सारी चलेंगे। मेरा, मैं सच में चाहता हूं आप लोग सीखो। प्लीज़ गाइज, नोट्स बनाना, कोई भी इस दुनिया में नहीं आएगा जो पैसा लेके भी ये अगर कंटेंट दिखा देना तो मेरा नाम बदल दूंगा यार, कोई नहीं सिखाएगा। भाई साहब सब पागल बना रहे हैं आज के टाइम पर, पागल मत बनना, ठीक है ना। किसी को अकाउंट हैंडलिंग दे दिया, पता चले कि तुम्हारा पैसा उड़ गया। किसी की टिप्स फॉलो मत करो, सीखो दिल से। कोई बंदा सिखा रहा है ना तो उसको सीखना है। एक बार कमेंट करके बताओ देखो कौन कौन सीख रहा है। चलो देखते हैं, काउंट करते हैं। देखो इस सीरीज पर अगर लव मिलेगा ना, प्यार मिलेगा ना, तो मैं खूब वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई मुझे प्यार ही नहीं देगा मेरे को क्या भाई, मैं वीडियो बना के बंद कर दूंगा। ओके, मेरे पास वैसे भी बहुत काम है, थोड़ा बातें कड़वी लगेगी, मैं कड़वा बोलता हूँ। जो मीठा तो बोल के छुरी तो नहीं घोप रहा ना, एटलीस्ट लोग तो मीठा बोल के पीठ पीछे खोरी घोप देते हैं, मैं तो मुँह पे बोलता हूँ। चलो वापस आइए, प्रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। अपने जो इंडिया के जो प्रेजिडेंट है ना, राष्ट्रपति भाई साहब, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है आप देखना, कभी उसके अंदर पैसा डाल देंगे, उसकी स्टॉक होल्डिंग बढ़ जाएगी, कभी किसी की कम हो जाएगी, कभी किसी में क्या हो जाएगा, कभी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी स्टॉक डाल देती है। किसी किसी नॉर्मल स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इनके अलग अलग जगह पर आपको नाम देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये कहाँ से होता है, ये डील्स होती है। ओके, और इनको कौन करता है, अब आप समझ जाओ, हम जैसे बंदों को हायर कर रखा है। ओके, बट अभी मैंने वो वाला काम छोड़ दिया, मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में स्कैम इन्वेस्टिगेशन में आ चुका हूँ, स्कैम्स इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग देता हूँ या एडिशनल हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉक्स को कैसे ऑडिट करो, ऐसा करो, वो सारा सारा गेम है। अब आते हो तो बिग लेवल स्टॉक इवेंट, ये क्या है, कोई स्टॉक में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। रिलायंस का सबसे फेमस होता है, रिलायंस की AGM होती है, राइट ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर वो अनाउंसमेंट करते हैं। आईफोन देखा आपने, कहाँ गया अपना चीता, हाँ अरे आपको पता है ना, अभी रिसेंटली एक और थोड़े दिनों में एक और नया आईफोन आने वाला है। हर साल में वो सितंबर मंथ के आसपास वो एक नई अनाउंसमेंट करते हैं, उनका स्टॉक हिल जाता है। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग इस तरह की होती है, आप ऐसा समझ लीजिए, वो अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ी मेजर चीज़ें होती है। ओके, तो कुछ न्यूज भी आ जाती है, कोई जानबूझ कर फर्जी न्यूज फैलाता है, न्यूज फैलाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी स्टॉक का जानबूझ कर लिख देते हैं, ऐसा हमको लगता है ये गिर सकता है, न्यूज वाले डाल देते हैं, स्टॉक करेक्शन आ जाता है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट करते हैं। अब आती है थोड़ी कि आप एक बार गाइस, ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, इसके अंदर आपको ना एक डीमेट अकाउंट ओपन करने का एक लिंक मिलेगा, ताकि आप स्कैल्पिंग अच्छे से कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। कुछ टाइम फ्रेम्स ऐसी है जो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, या तो आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन परचेस कर लो या डीमेट अकाउंट खोल लेना। डीमेट अकाउंट खोलो तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा, और ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाए, है ना। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पिंड कमेंट के थ्रू या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही करें। आजकल आई थिंक कोई नया अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से कि वो पिंड कमेंट के ऊपर आप टच या क्लिक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ अपडेट है। फिर भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, है ना। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, आपकी ओपन चॉइस है। ओके, आप लोग करोगे तो मेरे को एक हल्का सा सपोर्ट हो जाता है, कुछ नहीं। ओके, अब आप आगे देखिए क्या लिखा है, बिग मूव एक्टिविटी। अब आती बात की भाई, इतने जो इंस्टीट्यूशंस के इनके नाम बताएगी, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर गेम, कंपनी डाटा वगैरह वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस, प्रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट, बिग लेवल स्टॉक ड्यूएट, ये सबके अंदर आपको अब ना एक तरह से 99% की एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है। अब देख लो भाई, पॉइंट पे आ रहा हूं, अब मैं प्रूफ दूंगा, प्रूफ भाई, तुम्हारा भाई प्रूफ देगा ना। अब आ जाओ वापस, क्या लगा बिग ग्रीन कैंडल क्या मतलब है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी भाई, पैसा लगाया किसी ने, सिंपल है, स्टॉक 5 या 8% मूव मार गया, कम से कम 5% की कैंडल होनी चाहिए डे कैंडल के हिसाब से। डे कैंडल एक दिन की जो कैंडल होती है ना, वन डे की चार्ट, उसके अनुसार 7 से 8% तो आप मान ही लो, मैं तो इनको कंसीडर करता हूँ। ओके, और अगर ना आपको ना पुट ऑप्शंस बाई करनी है, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, बात पूरी सुनना, पता चले कि इसको सुन के वीडियो काट कर पता चले खेल खत्म हो गया, ऐसा नहीं हाँ। बड़ी जो रेड कलर की कैंडल होना वो भी बड़ी होनी चाहिए, 10% की लोअर सर्किट वाली मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, 7-8% का फॉल होना चाहिए, भयंकर फॉल, ऐसा पॉइंट जहां से भयंकर गिरी। अब इसको साफ समझिएगा, तो अब नीचे क्वेश्चन है, तो हम पैसे कैसे कमाए आदित्य जी, गुरु जी कैसे पैसे कमाए, चलो आ जाओ आगे। अब आगे देखिए, ये देखो स्क्रीन देखिए, बड़ी ग्रीन कैंडल आपको ढूंढनी जहां पे 2-3 बार बड़ी हो, फिर क्या अगली बार जब भी स्टॉक इस लेवल पे नीचे गिर के आए तो इस जगह आप एंट्री मार लेना, 99% आदित्य जी दावा दे रहा है, बूम मारेगा वहां से, चाहे एक ग्रीन कैंडल क्यों ना बने, 2-3% का बूम आए ना आए, लेकिन आएगा। ओके, ये सब चीजें मैं प्रूफ करता हूं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, देख लेना, अभी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी,
अभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप लोग जो लोग मुझे पुराने फॉलो करें उनको तो पता ही है, मैं नहीं कह रहा मैं भगवान हूं भाई, ओके, लेकिन मेरा बेस्ट तो है ना, दूसरों से तो बेस्ट है। अब आप देखिए, आप ऐसी बड़ी कैंडल ढूंढना तो क्या होगा, ये ड्राइंग बना लीजिएगा आप लोग, और ये रेड रेड कलर भरने मत बैठ जाना आप लोग, है ना, जो ग्रीन कैंडल है ना उसमें जी फॉर गर्ल डॉट लिख देना, और ऊपर लिख देना जी डॉट का मतलब क्या होता है, गर्ल, सॉरी हाँ क्या बोला मैंने, हाँ जी डॉट का क्या होगा, ग्रीन कैंडल, और आर डॉट का क्या होगा, रेड कैंडल। ओके चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बिग रेड कैंडल्स है ना, ये देखो कैसे प्राइस जब देखो नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही, ये टच किया इस जोन में आए, ये जोन बन गया पूरा, यहां पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा ना प्रैक्टिकली प्रूफ दिखाता हूं, ऐसे स्टॉक से बताएगा मैं, ऐसा ही स्टॉक बताऊंगा जो मैंने दिए हैं टेलीग्राम के अंदर लर्निंग करने के लिए, मैं उनमें से नहीं हूं भाई जो हर कोई सा स्टॉक बता के एग्जांपल दे दे, मैं उनमें से नहीं हूं, ध्यान से देखना। आप लोगों के सामने सन टीवी दिया, दिखाऊं प्रूफ दिखाऊं, चलो देखो स्क्रीन देखिए, हैशटैग सन टीवी, ठीक है, क्या बोला मैंने यहां पे, प्रूफ देखना, 4 मई को बोला सन टीवी जिस दिन बूम मारेगा ना गारंटीड है, मैं बार बार कमेंट लिख रहा था, अभी भी मूंग नहीं आया, हैशटैग लगा के सन टीवी लिख देना, ये देखो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे लोवर में बोला है, यहाँ पे बिल्कुल लोवर में देखो, यहां से बूम मारा, ब्लास्ट मार गया, मारा यस और नो, क्या मैंने बोला, मैंने ऐसा दोगलापन तो नहीं किया ना कि देखो जा रहा है 2% 5%, नहीं, मेरा मूव नहीं आया अभी तक, रुको आगे और दिखाता हूं, बात समझिएगा, ये क्या लिखा है, ये विप्रो का है, इसका भी मैं बताऊंगा आपको, श्री सीमेंट का भी बताया था, एनएमडीसी का भी बताया था, एनएमडीसी सर्च करके देख लो, ठीक है ना, मैं आपको सारी चीजें करवाता हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जो मैं आपको सिखा रहा हूं क्या वो रियल में काम करता है, और उसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा अभी, रुको थोड़ी सी, है ना, थोड़ा एक बार देख तो लो। देखो यहां पे क्या लिखा मैंने, देखो अभी प्राइस 121 चल रही है, नोट कर लो, कुछ वीक्स के अंदर, रियल टेस्ट बता रहा हूं, है ना, क्या लिखा, कुछ वीक्स के बाद देखना, कुछ मंथ के बाद में देखना क्या होता है, अब देखना क्या हुआ, एनएमडीसी 121 के आसपास चल रहा था, 107 भी आया था, वहां पर भी मैंने बोला, बार बार बोला मैंने कि ये कॉल ऑप्शन उठा लो, ये पुट ऑप्शन उठा लो, पेपर ट्रेड कर लो, ओके, आपको लर्निंग करना है, लाइव मार्केट के अंदर सीखोगे तभी सीखोगे, हिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं होता, हिस्ट्री के अंदर पता चला कि हिस्ट्री के अंदर कोई पागल बना के चला गया, बोले अगले दिन में क्या होगा वो सीखा तो हम सीखेंगे, वरना नहीं सीख सकते आप, तो क्या बोला, इतना बड़ा बिग मूव आया, यस और नो, अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने बोला, रुको दिखाते हैं आपको वापस, ये देखिए एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है यहाँ पे मैंने, एक वेट अ मिनट, अच्छे से समझा देता हूं ना मैं, ये देखो ये क्या लिखा मैंने, एनएमडीसी के लिए यहां पे लिखो, ऑलरेडी पेपर ट्रेड रनिंग कर रहा है, 2 रुपए के आसपास आप वापस पेपर ट्रेड कर सकते हो, बड़ी कैंडल, क्या लिखा, वेटिंग फॉर बिग कैंडल, 28 जुलाई की बात है ये, 28 जुलाई के बाद क्या हुआ, देखो ये देखो यहां के आसपास, देखो 111 के आसपास प्राइस चल रही थी, बिग बोलते बिग मूव मारा, फिर उसके बाद इतना बड़ा बिग मूव आया, ये सब हमने कैप्चर किए हैं, ओके मैं एडवाइजरी नहीं हूं, ध्यान रखना, दूसरों की तरह नहीं हूं मैं, ध्यान रखना भाई, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, मैं दिल से सिखा रहा हूं तो आप सीखिए, और जिसको मैं लगता है मैं एडवाइजर भाई अभी अभी वीडियो भाई हटा दो, अनसब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना, जिसको दिल से सीखना है ना वो यहां पर आएगा, इसलिए मैं डेली कमेंट्स मार मार के नहीं बोलता कि ये वो। अब आगे देखिएगा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वीडियो बनाई थी यार, वीडियो मैंने बोला कि जब आने आदित्य जैन की इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बूम मारेगा, 128 से कहां गया था पता है ना आपको, वो भी दिखा देते हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस करोगे। अब मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने बोला नहीं बोला, ये देखो इंडिया बुल हाउसिंग 128 पे जबान दी थी ना, यहां पे बोला ऐसा उड़ेगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी, देखो उड़ा के नहीं उड़ा, इतने टाइम में तो कभी नहीं उड़ा, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या दिमाग में चल रहा है, यही तो मैं सिखाता हूं आने वाले दिनों में क्या होगा। अब रुको, और प्रूफ देने की जरूरत नहीं है भाई, आप लोग कर लेना, वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता, अब अपने सीधा पॉइंट पे आइए, अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनो, स्ट्रेटेजी क्या बोल रही थी, बड़ी रेड कैंडल है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, बड़ी ग्रीन कैंडल तो इस जोन में जब भी आएगा एंट्री कर सकते हो। देखिएगा यहां पर क्या हुआ, ऊपर आराम से जा रहा था, भयंकर गिरा, तो इस पॉइंट पे जब वापस आएगा हिस्ट्री के अंदर तो क्या होगा, ये देखो एक मिनट रुकिए, यहां क्या होगा बताओ, ये तो सप्लाई जोन बन गया ना, सेलिंग जोन बन गया, तो इस जगह पे देखो वापस फॉलिंग भी आई, गिरा, इस जगह पे अपन एक देख सकते हैं, इस पॉइंट के बाद में यहां पे एक सडन बिग मूव आया, ये देखो बिग कैंडल बनी ना, कितने परसेंट की कैंडल है, ये देखो 8% की कैंडल इस जगह पे आया जोन में, बूम मार गया, ओके ग्रेट। अब आप बोलोगे यहां से कैसे बूम आया, ये देखो मैंने यहां पे ये देखा, ये देखना कितनी परसेंट की कैंडल है,
कैंडल बताओ 10% अपर सर्किट से भी ऊपर की कैंडल है, इस पे जोन में आया, क्लिक किया, बूम मार गया भाई साहब, ये देखो इतना बड़ा। अब मेरी बात सुनना, अब ये अगली बार जब इस लेवल पे आएगा, मार्क माई कमिटमेंट, अगर फ्यूचर में, वैसे मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, और भी ऊपर जा सकता है पेपर ट्रेड के हिसाब से, लर्निंग दे रहा हूँ, रियल इन्वेस्टमेंट वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ टीचिंग करता हूँ, मेरा काम टीचर का है। तो सुनिए आगे, फिर भी अब अगली बार इस लेवल में आए ना, डे टाइम आप देखना, सिर्फ देखना क्या होता है, देखना एडवांस में वीडियो मार्क कर लेना भाई साहब, बोलना आदित्य जैन तू गलत निकल गया, 99% यहां से मूव आएगा, चाहे ग्रीन कैंडल की बने ना बने, मैं कह रहा हूं ठीक है। एक और स्ट्रेटेजी देखिए यहां पे, एक और एंट्री बता रहा हूं, लर्निंग आने वाले दिनों की एंट्री बता रहा हूं, हिस्ट्री वाले नहीं बता रहा भाई। NMDC बोला तुम्हारे भाई ने जवान दी थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मारा कहीं नहीं मारा, दूसरे स्टॉक्स तो गिर रहे थे, मार्केट गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे स्टॉक्स जो ये थे ना, ये सारे ये बूम मार रहे थे, और हम लोग पहले लेके कैप्चर करके बैठे हैं पेपर ट्रेड के अंदर। हमने बोला कि भाई ये इसमें ये हो सकता है, आप लोग सीखो मेरे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो आप। तो क्या ये बूम आया? आया। तो अब देखो, अब इस जगह पर इतनी बड़ी डील हुई एग्जीक्यूट, क्या जब अगली बार जब प्राइस इस लेवल में आ जाए ना, गिरते हुए कभी भी फ्यूचर में उसे यहाँ पे आप देखना, एक झटके से ऊपर जाएगा। मैं भी यहाँ पे आप पेपर ट्रेड में अगर लर्निंग कर रहे हो तो कॉल ऑप्शन लेके देखना एक बार, मजा आ जाएगा ठीक है। एक और बताता हूं, ये देखो विप्रो, विप्रो के लिए मैंने थोड़े दिनों पहले बोला था ओके, तो ओके अब अगली बार अगर इस लेवल में आ जाए तो यहां से बूम मार जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक जोन बन चुका है। अब इंस्टीट्यूशनल ने यहां पे दो बड़ी कैंडल्स बनाई है ठीक है। सन टीवी के अंदर क्या करोगे? रुको एक और बनाते हैं, इसकी बाइंग जोन बना देते हैं आपके लिए। एक तो ये लेवल बड़ी अच्छी है, ये पूरा एरिया, अरे 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 गलत क्लिक हो गया रोगो, एक ये ऐसा, ये भी क्यों, अरे 236 के आसपास लेके बैठे हम तो लिए, उसके बाद में बूम मारा। लेकिन अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि बूम मार जाने के बाद में फिर आपको वापस एंट्री कहां बनानी है। ये देखो, देख रहे हो, एक यहां पे आ जाए, कभी भी फ्यूचर में गिरता हुआ इस लेवल में तो भी आप बाय कर सकते हो, यहां पर कर सकते हो, बड़ी कैंडल ऊपर जरूर जाएगी। वीडियो बहुत जबरदस्त है, कमेंट करके बताओ वीडियो में कैसा लग रहा है आपको। प्लीज गाइज, आप इस अगर मेरी मेहनत में अगर दम लग रहा है ना आपको, देखो आप लोग प्यार करोगे ना और वीडियोस बनाऊंगा ठीक है। अब आप आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कि भाई अगली वीडियो आएगी episode 9 बड़ा जबरदस्त होगा, इससे ये कह रहा हूं डेमो स्टार्ट हो चुका है ओके। अब आप आगे देखिए भाई, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर जरूर करना है, शेयर कर देना यार, अगर मेरी वीडियो शेयर होगी ना तो क्या पता लोगों की लाइफ पे बचेगी, लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से होता है, लोग स्कैम करके आपको कोर्सेज बेच रहे हैं। प्लीज गाइज, आप लोगों का अगर आपको दिल करे तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इन वीडियो को शेयर करें, आपको वीडियो पसंद नहीं आई अनलाइक कर दो। बहुत लोग मेरे वीडियो को वैसे भी अनलाइक करते हैं, जिनका धंधा नहीं चल रहा वो तो करते ही हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको रिपोर्ट मारते हैं मारने दो, लेकिन आप लोगों का अगर प्यार है ना काफी है। मैं कह रहा हूं 1000 आदमी की अगर मेरी वीडियो से जिंदगी बदलती है ना, मेरी जिंदगी सफल हो गई। 1000 आदमी भी कम होता है क्या? ठीक है, अब मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा लाइक वाइक का, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।